लवाइए गुरु चरणों के हाजरी गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी अठवें पदे दे विच बख्शिश करते हुए कह रहे ने, भ्रम भ्रम जोनी फिर फिर आया, जीव भटक भटक के मुड़ मुड़ जूना विच पिया रहिंदा है। जदों जूना विच पैण दी गल आउंदी जां जून शब्द आउंदा, साडा सारियां दा ख्याल इस पासे जांदा कि जदों जीव इस संसार दे विचों रुखसत हुंदा है, जे नेक कर्म नहीं, भजन बंदगी नहीं, ते इनू मनुखा शरीर नहीं, इनू पशु जोनिया जीव जंत इन्हां दे विच पैणा पैंदा है। साडी मनौत साडा ख्याल इत्थे तक पहुँचदा। ठीक इस गल नूं वी असीं मन्नदे हां भी मनुखी जामे तो थले मनुख चलिया जांदा है। ये मनुखा जन्म वैसे कई सानू इन्हां जूनियां दे विचों दी निकल के प्राप्त होया है। आपां पढ़दे हां कई जन्म पै कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर ब्रिख जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल एह देह संजरिया। ठीक है जे भजन बंदगी ना कीती, जिन्हां टेढ़ियां मेढ़ियां जूनां विच्चों शरीरां विच्चों ये निकल के आया उन्हां विच ये जा पवेगा, क्योंकि साढ़े अंदर दी जिहड़ी जोत जीवात्मा है वह जिन्ना चिर अपने मूल विच अभेद नहीं होंदी, मूल की है परमात्मा, उन्ना चिर इहदा संसार दे विच आउणा जाणा शरीरां दे विचों दी भटकना बनिया रहेगा। जिन्ना चिर इंसान नूं अपनी मंजिल नहीं मिलदी उन्ना विचों सफर दे विच ही है। मान लो किसी बंदे ने अमृतसर जाना है, अमृतसर उहदी मंजिल है, जिन्ना चिर वह मंजिल ते नहीं पहुँचता उन्ना विचों पेंडे ते है, उन्ना चिर वह सफर ते है। जदों मंजिल ते पहुँच गया पेंडा खत्म, उत्थे जाके रुकेगा जो भी उन्हें करना। साढ़े सारियां दी मंजिल है उस परमात्मा दे विच अभेद होना, परमात्मा दे विच मिलना। ते जिन्ना चिर साडा उस परमात्मा दे विच मिलाप नहीं हुंदा, साडी जीव आत्मा उस परमात्मा परम पुरख उहदे विच अभेद नहीं हुंदी, इस शरीर दे विचों ते निकल जाणी है, क्योंकि कुछ समा कुछ दिन कुछ पल कुछ घड़िया जो मालक जानता है वह लैके संसार विच आए हैं, गिणती दे सवास लैके असी आए हैं। वह सवास जिदन पूरे हो गए सानू इस शरीर नू पिंजर नू छड़ के जाना पैना। ते ये जीव आत्मा जिहड़ी है हुण इहनू कोई ना कोई ते टिकाणा चाहीदा। असल इहदा टिकाणा है परमात्मा दे चरण, परमात्मा रूपी घर। जिन्ना चिर यह उस निज घर दे विच नहीं ये वासा करदी उन्ना चिर इहदे फेरे इहदा आउणा जाणा संसार दे विच कदी मनुखी जामा कदी पशु जून ये शरीरां दे विच पटकेगी। आपां रोजाना पढ़दे हाँ निज कर महल पावो सुख सहजे, बहुर न होएगो फेरा। हे मन हे जीवात्मा हे भाई,
प्रभु जी का नाम जपेगा तो निज घर टिक जाएगा। निज घर तेनों टिकन के नाल ही आत्मक सुख मिलेगा, रबी मिलाप का आनंद माणेगा। बहुर न होएगो फेरा, निज कर महल पावो सुख सहजे, बहुर न होएगो फेरा। इस संसार दे विच तेरे चक्कर तेरे फेरे तेरा आवागमन मिट जाएगा। सो एक ते विचारधारा यह है भी जे शुभ कर्म नहीं किते, प्रभु का सिमरन नहीं किया, गुरु मुताबक जीवन नहीं जिया, तो यह जिहड़ी जीवात्मा है यह शरीरां विच पटकेगी। शरीर कोई मिल सकता, ये तो असी मानते हाँ भी जे भगती ना की, भजन बंदगी ना की, शुभ कर्म ना किते, मरण तो बाद टेढ़िया मेढ़िया जूनों में पैना है। पर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी कहिंदे जिन्हां मनुखां दे कोल गुरु का ज्ञान नहीं, गुरु कोल जीवन जुगत जिन्हां ने नहीं प्राप्त की, जीवन जीवन का ढंग इस मनुखी जामे नू प्राप्त करके नहीं किया, वह मनुखा जन्म पा के भी टेढ़िया मेढ़िया जूनों में ही विचर रहे हैं। सुरत करके सुभा करके वह पशु जीवन जी रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी विचों कोई शब्द आप जी नू सरवण करावा। गुरु पातशाह जी कहिंदे बिन सिमरन जैसे सर्प आर जारी, त्यों साकत जीवै नाम विसारी। कहिंदे जिस इंसान दे कोल रब्बी गुणा दी विचार नहीं, सिमर नहीं, गुरु दा बख्शिया ज्ञान ते उस मुताबक जीवन जांच नहीं, ओ सप दे वांगू जीवन जिउंदा है। जिवें सप अपने अंदर यैर भरदा रहिंदा है, कट्ठा करदा रहिंदा है, जदों यैर उहदे अंदर कट्ठा हो जांदा है फिर वह डंग मारदा है। इवें इंसान गुरु तो टुट के परमेशर दे नाम तो सखना रह के अंदर विकारां दा यैर भरदा है, काम दा यैर भर गया, लोभ दा यैर भर गया, क्रोध दा यैर भर गया, होमे हंकार दा यैर भर गया, फिर ये इंसान नूं डंग मारदा है, अपणियां नूं भी डंग मारदा है, बगानियां नूं भी डंग मारदा है। लोभ दा यैर सी गंगू दे अंदर, माता गुजर कौर ते साहिबजादियां नूं डंग मारिया। लोभ दा यैर सी औरंगजेब दे अंदर, तख्त मैनूं किसे ना किसे तरीके नाल प्राप्त होवे, ते उस तख्त नूं प्राप्त करन दे विच सब तो वड्डा रोड़ा मेरे भरा ने, भरावां नूं मारिया, कतल किया, फिर वड्डा रोड़ा बाप है, उन्हूं जेल च पाया। इस तरह मनुख डंग मारदा है, बिन सिमरन जैसे सर्प आर जारी, त्यों साकत जीवै नाम विसारी। हुण कामी बंदा अज डंग नहीं मार रहा, किसी अबला किसी इस्त्री किसी बच्ची उहदी इज्जत पात रोल के रख दित्ती, इज्जत भी उहदी रोल दित्ती, नाल उहदी जीवन लीला भी समाप्त कर दित्ती। ऐसे कई दरिंदे ने, तुसी कई खबरां पढ़ियां होणगियां, मेरे ख्याल केरला दी गल है, एक पढ़ी लिखी लेडिश रस्ते विच्चों आ रही, उन्हों मौका पा के दरिंदिया ने उन्हों किडनैप एक हिसाब का किया, ते उदी इज्जत पात्र खो के उन्हों ज्योंदी नू अग ला के साड़ दिता। ऐसिया कई घटनावां ने, दरिंदे नाले ते इज्जत खो लेंदे, नाले उदी जीवन लीला समाप्त कर लेंदे। इस तरह वो दिल्ली में निर्भया कांड जिहड़ा होया वो भी तो इस तरह का ही सी, जिहदे कारण सारे देश दे लोकां दे अंदर बड़ा गुस्सा उन्हां दरिंदियां दे खिलाफ बाहर निकलिया, तो उन्हां दरिंदियां नूं सजावां भी मिलियां। ऐसे लोग डंग मारन वाले ने,
काम का यहर उन्होंने अंदर चढ़ गया तो उन्होंने डंग मार दिता। तो गुरु जी ने बाणी विचों आख्या मत समझी कि तू मनुख जामा तेरे कोल है, तू पशी पशु जूनिया तो बचिया है, तू सुरत करके कर्म करके करतूत करके तो मनुखी जामा प्राप्त करके भी पशु है। जे तू काम करके डंग मार रहे हैं, लोभ करके डंग मार रहे हैं, क्रोध करके डंग मार रहे हैं, तू सापी है, तो इंसान नहीं है। बिन सिमरन जैसे सर्प आर जारी, त्यों साकत जीव है नाम विसारी। फिर अगे बचन कर दे, बिन सिमरन पाए कूकर काम। हुण जिस बंदे दे अंदर लोभ है, तृष्णालू बिरती दा मालक है, ओ समझ लो कूकर बिरती है उहदे अंदर। क्योंकि कुत्ते दे अंदर जदों लोभ बिरती जन्म लै लैंदी है ते थां थां ते मूँह मारदा है। बड़ा प्यारा शब्द भगत कबीर साहब जी ने कूकर दी उस बिरती नूं मनुख दे जीवन विच्चों उजागर किया। कहिंदे सुरे की जैसी तेरी चाल, तेरी पुंछट उपर चमक बाल, इस ग्रह में है सो तू ढूंढ खाए, और किसी के तू मत ही जाए, चाकी चाटे चून खाए, चाटी का चीथरा कहां ले जाए। कहिंदे शीके उपर तेरी बहुत डीठ, मत लकड़ी सोटा परे तेरी पीठ, कहे कबीर भोग पले कीन, मत कोई मारे ईट ढेम। ये अर्थ हुण संखेप दे विच आप जी नूं सरवण करा दिया। लालची कुत्ता जदों किसे दे घर किसे बूहे अगे जांदा है, क्योंकि वह किसे दा वफादार है नहीं, कोई मालक उहदा है नहीं, ते वो कईयां दे बूहयां दे अगे जाके खलोंदा है, अवारा कुत्ता जिहनूं कहिंदे। वह कुत्ता जदों किसे दे बूहे अगे जाके खलोंदा है, बड़ा शरीफ जिहा, बड़ा गरीबड़ा जिहा, उहदा मुख विकण वाला हुंदा है। मालक कोई बंदा सामने है तो उहदे अगे बड़ा शरीफ जिहा बन के खलोएगा, भी इह मैनूं कुछ टुकर पा देवे, ये मैनू कुछ खाण नूं दे देवे। ते जदों कोई सुंझा घर वेखदा भी घर दे विच कोई नहीं, जिस घर दे विच उहनूं घर दा मालक नज़र आवे ते उहदे सामने बड़ा गरीबड़ा जिहा बड़ा शरीफ जिहा बन के खलोएगा। तुसीं कुत्ते नूं गौर नाल वेखणा इस तरह का सुभाव उहदा। ते जदों कोई सुंझा घर वेखेगा फिर सुंझे घर दे विच उहने चक्की नूं भी मूँह मारना, चक्की नूं भी चटना, जिथे आटा पीया जांदा है ते उपर छिकू टंगिया है जिदे विच कोई चौल बचे ने, दाल बची है। पुराने समयां दी गल है, बाबा कबीर साहब जी कर रहे ने, उदों फ्रिजां फ्रुजां नहीं सी हुंदियां, जो फुलके बचने, दाल बचनी ते छिकू उत्ते टंग देना, कोई बिल्ली कोई पशु मूँह ना मार लवे। वह चक्की नूं भी चटदा है ते चक्की नूं भी गंदियां करदा है, फिर उहदा ध्यान उपर जिहड़ा छिकू टंगिया ना भी किसे ना किसे तरीके नाल उह छिकू मैनूं मिल जाए, उहदे विच जो कुछ मैं लै जां छिकू समेत लै जावां। फिर छिकू ते जदों नहीं उह पहुंच पांदा क्योंकि उपर टंगिया है ते उह जिहड़ी चक्की नूं चट रिहा सी ना उहदा कपड़ा जिहड़ा साफ करन वाला परोला उहदे नाल भी आटा लगा हुंदा उह भी लै जांदा है, वह भी लै जांदा। यह गल केवल कुत्ते दी नहीं, यह गल इंसान दी है। कहिंदे इस तरह ही जिस बंदे दे अंदर संतोख नहीं, संतोख दी हीनता, वह बंदा बड़ा शरीफ जिहा बन के दूजियां कोल जांदा, बड़ा शरीफ जिहा बन के रहिंदा, भी इहदे वर्गा ईमानदार कोई होर है ही नहीं। ते ओ जदो दूसरियां दा धन वेखदा उहदे अंदर लालच जन्म लैंदा, लोभ जन्म लैंदा,
ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧਨ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਛਲ ਕਪਟ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਵਰਤਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਜਾਏ। ਲੋਭ ਦੀ ਲੋਭ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਜਾਏ, ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਧਨ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਤਨਕ ਮੈਂ ਅੰਬਾਰ ਇਹਦੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਲੋਭੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਵੀ, ਭੋਗ ਭੋਗਦਾ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਅਮੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵੇ ਵੇਖ ਕੇ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਾੜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਛੱਡਦਾ, ਪੁੱਜਦਾ। ਫਿਰ ਭੋਗ ਭੋਗਦਾ ਹੋਇਆ ਭੋਗੀ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਬਹਿਸਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਜੋ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਭੋਗ ਜਦੋਂ ਭੋਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ, ਲੋਭ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਪਰਾਈ ਵਸਤ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਭੋਗ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਭੋਗ ਭੋਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਟਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਈ ਤਨ ਤੇ ਰੋਗ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕੂਕਰ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰੇ ਕੀ ਜੈਸੀ ਤੇਰੀ ਚਾਲ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਊ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਗਊ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸ਼ਰੀਫ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੌਲਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੱਗਣਾ ਹੋਵੇ ਲੁੱਟਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਰੇ ਕੀ ਜੈਸੀ ਤੇਰੀ ਚਾਲ। ਆ ਵੇਖੋ, ਆ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਸੇ ਏਜੰਟ ਬੜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਨੇ 40-40, 35-35 ਲੱਖ ਹੜੱਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਵਿਕ ਗਈ। ਉਹ ਲਾਲਚੀ ਗਾਂ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰੇ ਕੀ ਜੈਸੀ ਤੇਰੀ ਚਾਲ, ਤੇਰੀ ਪੁੰਛਟ ਉੱਪਰ ਚਮਕ ਬਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੂਛ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਧਰਮੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਪਹਿਰਾਵਾ। ਸੁਰੇ ਕੀ ਜੈਸੀ ਤੇਰੀ ਚਾਲ, ਤੇਰੀ ਪੁੰਛਟ ਉੱਪਰ ਚਮਕ ਬਾਲ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੇਂ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਹੀ ਮੈਂ, ਸੋ ਤੂੰ ਢੂੰਡ ਖਾਏ ਭਰਾਵਾ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਜੋ ਹਾਕ ਹਲਾਲ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਖਾ, ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆ ਲੋਭ ਬਿਰਤੀ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਦੁਆਰੇ ਦੁਆਰ ਸਮਾਨ ਜਿਉਂ ਡੋਲਤ ਨੈ ਸੁਧਰਾਮ, ਭਜਨਕੀ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗਾ। ਤੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਜਾਵਾਂ ਜੀ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰ, ਲੋਭ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੈ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖ। ਸੁਰੇ ਕੀ ਜੈਸੀ ਤੇਰੀ ਚਾਲ, ਤੇਰੀ ਪੁੰਛਟ ਉੱਪਰ ਚਮਕ ਬਾਲ, ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੇਂ ਹੈ ਸੋ ਧੂੰਡ ਖਾਏ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾ ਸੁੱਖਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਕੀ ਖਾਈ ਕਹਿ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਦੇਖ ਭਰਾਈ ਚੋਪੜੀ ਨਾ ਤਰਸਾਏ ਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੇਂ ਹੈ ਸੋ ਤੂੰ ਢੂੰਡ ਖਾਏ, ਔਰ ਕਿਸੀ ਕੇ ਤੋਂ ਮਤ ਹੀ ਜਾਏ। ਪਰਾਏ ਧਨ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਪਰਾਏ ਘਰ, ਉਸ ਵੱਲ ਨਾ ਚਾਕਰਾ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾ। ਅੱਜ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਟੀਚਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਭਾਵ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਲਿਆ।
बड़े ढंग ने इन्हां कॉलेज वालियां दे कोल बच्चियां नूं बच्चियां दे मां बाप नूं किवें ठगना है, किवें ठगना है। आ किताबां दे विच अन्नी लुट है, मैनेजमेंट सारा लुट के खा जांदा। सौ सौ रुपए की किताब दी आउंदी, चार चार सौ पांच पांच सौ रेट उहदे उत्ते, एक रुपया नहीं घट करदे अगले। ते मूहों कह रहे ने कि भाई साहब ये कॉलेज का फंडा है, हम तो बिक्री करने वाले हैं, सारा परसेंटेज तो उनका जाता है, कंपनी से उनका सीधा कॉन्टैक्ट है, सीधा कहिंदे अगले, हम तो बेच रहे हैं। तो गुरमुखो फिर टीचर जिहड़े ने ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਫੇਲ ਹੋਏ? ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 80-80 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਲੱਗ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ 500-500, 600-600, ਹੁਣ ਤੇ 1200-1200 ਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਪੜਾਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਪੜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਪੜਾਉਣਾ, ਖਾਲੀ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਕੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, गप्पा मार के, कुछ ईमानदार टीचर होंगे ने जिहड़े पढ़ाउंदे ने, बाकी नहीं, गप्पा मार के बच्चों के नाल 40 मिनट का पीरियड। हाँ भी बच्चे जे इस सबजैक्ट विच्चों पास होना है, चंगे नंबर लेने हैं, मेरे को ट्यूशन लानी पएगी। 80 हज़ार तनखाह दे नाल उन्हों नहीं उहदा पेट भर रहा, उन्हों संतोख आ रहा। तो उपरों बच्चों के कोलों 1200-1200 रुपया ट्यूशन 1000-1000 वह लै रहा। तो गुरमुखो ये अवस्था बाबा कबीर साहब जी ने शब्द विचों निकल के नहीं आ रही। वो बच्चा जिहड़ा रिश्वतां दे दे के पढ़िया, वो ईमानदार होकर देश की सेवा करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। असी अज माड़ा बंदा जिहड़ा है डॉक्टरां दे कोलों इलाज नहीं करवा सकता, मर जांदा है, ते फिर गिला भी करदा है कि इन्ने महंगे डॉक्टर, कि जिहड़ा डाक्टर इन्नी रिश्वत दे के पहला तो उन्हें दाखला लवाया। मैनू सुन च आया अपने एक सिख भरा ने अपने बच्चे MBBS इस विच दाखला दवाउण दे वास्ते 1 करोड़ रुपया दिता, 1 करोड़। तो भलके वह बच्चा जो पढ़ लिख के डाक्टर बनेगा, वह करोड़ कितों हासिल करेगा? वह करोड़ कितों हासिल करेगा? वह साढ़े विचों ही हासिल करेगा, वह तो दुगना तिगना खिचेगा, दुगना तिगना खिचेगा। सो जिहड़ी जड़ है ना बच्चे की, ताई ते मेरे गुरु महाराज जी गुरु नानक देव जी ने पांधे कोल जिदन पहले दिन गए से ना, पट्टी लिख के समझाया सी, बाबा ए लेखा लिख जान, कहिंदे ए लेखा लिख ए सका पी, जिहड़ी तू विद्या पढ़ा रहा इन्हां बच्चियां नूं, ओह जिहड़ी विद्या है केवल माया दे खातर तरले लैण वाले इंसान पैदा कर रही है। भावें तेरा पढ़िया लिखिया डॉक्टर बनेगा, वह परोपकार नहीं करेगा, लुट के खा जाएगा। पढ़िया लिखिया इंजीनियर बनेगा, पढ़िया लिखिया किसी भी महकमे दे विच चलिया जाएगा। कहिंदे ने लिख नाम सलाह, लिख लिख अंत ना पारा वार, लेखा देवे बीरा तो पढ़िया, मैं ते तां पढ़िया लिखा मन्नांगा तेरा विद्यार्थी, जे ओ अपने कर्मां दे लिखे विचों बरी निकल आवे, भाव ईमानदारी ओदे जीवन विच होवे। इन्हां बच्चियां नूं नाल लोभ तो बचण, तृष्णा तो बचण की भी सिख्या दे, नित तेरे बच्चे जिहड़े ने ओ माया दे खातर तरले लैण वाले विद्यार्थी ए अगे अहुदियां ते बैठणगे, ते ओही हाल अज हो रहा है। तुसीं बैंक मैनेजर कोल चले जाओ, जे लोन किसी ने कढवाना है अपनी परसेंटेज पहलां तय करेगा। कल दी घटना, दो भरावां दी प्रॉपर्टी दा मसला, उन्होंने वकील कर लिया, वकील ने सारा कुछ नूं फैसला कर दिता है, 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी। तो वकील कहिंदा कागज तुहानूं त्यां देंगा, तुसीं प्रॉपर्टी अपनी अद्धो अद्धी दो भरा तां वंड सकदे हो, 60 लाख मैनूं दिओ। वकील उन्हां नाल हुण
वह धोखा कर रहा है, 60 लाख मैनू दे, कहिंदे सानू बचिया की। एक किस्सा तो तू लै गया, कहिंदा उन्हां चिर कागज़ नहीं देंगा जो मेरे को पिया हुआ तुहाडा। वह कहिंदे 40 लाख लै ला, पासे हट जा, असीं फैसला कर लांगे अपने आप। वह कहिंदा 40 नहीं 60 लाख, बल्कि 1 रुपया भी नहीं वह बनता। किन्ने लख रुपया वह केस नूं हैंडल करन दा लै चुके है। तुसीं किसी वकील ते भरोसा कर सकते हो? किसी अदालत तो फैसला लै सकते हो? वह बाबे नानक की गल सही सी, तेरा पढ़िया होया वकील, तेरा पढ़िया होया जज, तेरा पढ़िया डाक्टर लोगों का खून चूसेगा, न्याय नहीं करेगा। इत्थे ते विद्या विचारी तां परोपकारी, विद्या पढ़ा पर परोपकारी जीवन जीवन वाला बना। मरीज मर रहा है, सौदेबाजी करता डाक्टर, इन्ने पैसे दे सकोगे हस्पताल दे विच? नहीं, तो बैड ही कोई नहीं खाली, जाओ अगले। इदां भानेबाजी हो जाती। सो सतगुरु जी इत्थे कह रहे ने, इस घर में है सो ढूंढ खाए, और किसी के मत ही तू जाए, चाकी चाटे चून खाए, चाकी का चीथरा कहाँ ले जाए। कहिंदे ने चुकता चक्की चट रहा सी, इथों तक तो ठीक, पर वह जड़ा परोला पूंजन वाला सी चक्की नू, वह भी नाल लै गया। हुण किते कुत्ता उस मालिक दे नजरी पै गया ना, कहिंदे बड़ी मार पै गई उहनू, भी तू मेरी चक्की भी गंदी कर दित्ती, लोभी कुत्तिया, तू परोला भी चुक के लै गया। चाकी चाटे चून खाए, चाकी का चीथरा कहां ले जाए। कहिंदे जो तेरी किरत कमाई दे विचों तेनू प्राप्त हुंदा वह खा, बाकी नाल बन के किथे लै जाएगा। जिवें कुत्ता वह परोला वाधू दा एवें नाल चुकी फिरदा, विचों दे कुछ नहीं मिलदा। हाँ, मालक की डांट जरूर पैगी, कुट जरूर पवेगी। अगे कहिंदे ने, शीके उपर तेरी बहुत डीठ, तू थल्यों आटा भी खा लिया, परोला भी लबेड़ दिता, तो उत्ते वेख लिया भी इहदे विच वी कुछ पिया है। छीके उपर, छिकू टंगिया होया, छीके उपर तेरी बहुत डीठ, उत्थे तेरा ध्यान चलिया गया। मत लकड़ी सोटा परे तेरी पीठ, छिकू ते तेरे को लैना कोई नहीं, जे लै भी गया तृप्त तू फिर भी नहीं होना। इन्ना चिर नूं जे मालक आ गया, तेरी पिठ दे उत्ते डांग वजेगी, सोटा वजेगा, हो सकता तेरी लत टुट जाए, तेरा लक टुट जाए, रीढ़ की हड्डी टुट जाए, रेंगेगा। इत्थे कह रहे ने भी बहुता लोभ ना कर, जमा दी मार तेनू दुख सहने पैणगे, फड़िया जाएगा। फड़िया जाता कई बार बंदे इनकम टैक्स वाले आके सारा कुछ खो के लै जाते। फिर कहिंदे ने, कहो कबीर भोग भले कीन, कहिंदे ने मत कोई मारे ईट ढेम। कहिंदे ने चंगा भला तू जो अपनी किरत कमाई दे विचों तू खास खा के तृप्त हो सकता वा। कहिंदे ने अपनी किरत कमाई दे विचों खा, बाकी जो बेईमानी जां लोभ वस होके जो इकट्ठा करेगा ना, उहदा कोई लाभ नहीं, सजा जरूर मिलेगी। मत कोई मारे ईट ढेम, सजा का भागी हो सकता है। हाँ, भोग भोग के तेरे जीवन में खुआरी जां रोग जां दुख जम्मण मरण का गेड़ यह सब कुछ तेरे पल्ले पै सकता है। सो अज दे इस पावन मुबारक बचन विच भ्रम भ्रम जोनी फिर फिर आया कि मनुख मनुखी जामे विच रह करके कई पशु बिरतियां दे विचों दी लंघदा है, भटक भटकदा है। करतूत पशु की मानस जात, आप पढ़ते हो ना, हुणे पढ़िया आप कि बिन सिमरन पै कूकर काम साकत बिशवा पूतन नाम। यह सारिया बिरतियां जड़िया बंदे दियां है मनुख, पर पशु बिरतियां जीवन में ज्यों रहा है। ते कहिंदे ने भ्रम भ्रम जोनी फिर फिर आया, आप भुला जां खसम भुलाया, जीव दे की बस जदों मालक प्रभु ने इस नूं कराए। मालक कराए पाउंदा है जी? मालक कराए नहीं पाउंदा। हाँ, उहदे कायदे कानून नियम उहनां नूं ना समझण वाला कराए पै जांदा वा। वाहिगुरु तेरे कायदे कानून नियम अपने मनुखी फर्जां नूं नहीं समझ सकिया, कुराए पै गया। इत्थे अरदास कीती पर इहदे वस कुछ नहीं, तू कृपा कर आप ही इहदे उत्ते रहमत कर, ये जीव कुराए पैणों हट जाए। आप भुला जा खसम भुलाया, हर जियो मिले तां गुरमुख बूझे, चीने शब्द अबनासी है।
गुरु पातशाह जी कहिंदे ने जदों परमात्मा इस नूं मिलदा है इस उत्ते दया करदा है, गुरु की शरण पै के सारी जीवन राह नूं जीवन जुगती नूं समझदा है, लोभ आदिक बिरतियां पशु बिरतियां विचों निकल के इंसानां वाला जीवन जिउंदा है। सज्जण दे कोल मनुखी जामा जरूर सी पर अंदरों दरिंदा सी, अंदरों दैंत सी, उहनूं इंसान बनाया गुरु महाराज जी ने, कौडे राक्षस नूं इंसान बनाया गुरु नानक देव महाराज जी ने। कहिंदे तदों अविनाशी प्रभु की सिफतों सलाह की बाणी हिरदे विच वसदी है ते इह इंसान सोहना जीवन जिउण वाला बणदा है। कुकर बिरतियां सप वाली बिरती आदिक पशु बिरतियां इहदे जीवन विच उह जोनियां जिहड़ियां मन करके सुरत करके भोग रहा सी, भ्रम भ्रम जोनी फिर आया उहदे विचों गुरु कढ दिंदा है। सो इक्को पदे दी विचार आपां कर चुके हां, कर सके हैं, सो भुल गलती दी।